रानी के भाई को हुआ एहसास, राधिका कोई बुरी नियत वाली लड़की नहीं बल्कि अपने परिवार की हर मुसीबत में साथ देने वाली लड़की है। तभी तो गणपति बाबा भी राधिका का साथ दे रहे हैं। रानी के भाई नरपट और सरपट रानी के बेइज्जती का बदला लेने के लिए राधिका को गणपति पंडाल में ले जाते हैं। इधर बंसल परिवार का गणपति पंडाल में जोरदार स्वागत होता है। तभी नरपट और सरपट बैंड बाजे के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, सभी को सरप्राइज देते हैं, कहते हैं यह देखिए बंसल परिवार की बहू हाथी के कॉस्ट्यूम में। सभी लोग बंसल परिवार का मजाक उड़ाते हैं। यह सब देखकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है। सुजाता रानी को समझाती है, अपने भाई को कहो यह सब बंद करे, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, दीप्यों की हालत देखो कैसे तड़प रहा है। रानी कहती है मेरे भाई को मेरी बेइज्जती देखी नहीं गई, इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है। अगर दिव्यम जी मुझे एक वरमाला पहना देते तो क्या हो जाता। तभी रानी जाकर राधिका का चेहरा सभी को दिखा देती है। राधिका शर्म से रोने लगती है। तभी नरपट और सरपट बच्चे को बुलाते हैं, कहते हैं यह देखो हाथी, इसके साथ खूब खेलो और मस्ती करो। राधिका को घास पेड़ पौधे खिलाते हैं। राधिका के आंखों से आंसू आ जाती है। दिव्यम से यह सब देखा नहीं जाता। दिव्यम नरपट और सरपट से मारपीट करने के लिए उतारू हो जाता है। तभी नरपट और सरपट के आदमी दिव्यम को पकड़ लेते हैं। दिव्यम कहता है तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, गुंडे हम नहीं, ये दोनों भाई है। नरपट और सरपट कहते हैं जिसकी जेब में पैसे होते हैं वही सही होता है। दिव्यम को पकड़ कर बाहर ले जाते हैं। इधर सुजाता की मजाक उड़ाती है, कहती है तुम्हारी बहू कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है, मुझे पता होता तो मैं अपने रिसेप्शन पे तुम्हारी बहू को बुला लेती, मेरे पैसे भी बच जाते। इधर बच्चे शरारत करते करते पटाखे फोड़ देते हैं। सभी लोग डर जाते हैं, सभी आग लग जाती है, देखते ही देखते आग फैल जाती है। दिव्यम आग बुझाना चाहता है लेकिन परिवार वाले दिव्यम को पकड़ लेते हैं। गोलू भैया फायर ब्रिगेड को फोन करता है। दिव्यम पूरे परिवार को बाहर निकालकर खुद राधिका को बचाना चाहता है लेकिन नरपट और सरपट दिव्यम को पकड़ लेते हैं, कहते हैं तमाद जी आप मेरे बहन का सुहाग है, मैं आपको आग में कूदने नहीं दूंगा। इधर बहुत सारे बच्चे आग के उस पार फंस जाते हैं। राधिका गणपति बाबा से विनती करती है आप विघ्नहर्ता हैं, आपके पूजा पंडाल में ऐसी अनहोनी नहीं हो सकती, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए जिससे मैं इन बच्चों को बचा सकूं। तभी राधिका की नजर पानी के बड़े गमले पे पड़ती है। राधिका बर्तन ढूंढती है जिससे आग बुझा सके लेकिन कुछ नहीं मिलता, तो राधिका अपनी सूट से ही पानी उठाकर आग बुझाती है। सभी लोग राधिका की प्रशंसा करने लगते हैं, पूरे बंसल परिवार की तारीफ करने लगते हैं। राधिका के ऊपर गणपति बाबा का आशीर्वाद है ऐसा लोग कॉमेंट करने लगते हैं। राधिका से पूछते हैं तुमने यह सब कैसे किया। राधिका कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लगता है गणपति बाबा की शक्ति मुझमें समा गई और मैंने आग बुझा दिया। इधर रानी का चेहरा मुरझा जाता है। राधिका की बेइज्जती की जगह लोग राधिका की तारीफ करने लगते हैं, पूरे बंसल परिवार की तारीफ होने लगती है। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।